प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। नए वित्त वर्ष के पहले दिन सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। पंजाब के सरकारी स्कूलों का समय आज से बदल गया है। सरकारी स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने आज असम, नागालैंड और मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के दायरे को सीमित करने का फैसला किया। बिहार के कोडिया गांव में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद खुशी और जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी ओर एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बुंदौली पावर हाउस में गुरुवार को आग लग गई। आग लगने का कारण लाइन में खराबी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। राजस्थान ईसीबी ने आज कोटा रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गोलाघाट जिला के मेरापानी इलाके में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान एक महिला की मौत हो गई।